हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लाजो पैंट की बॉटम डिजाइन बताने वाली हूँ। आप ये डिजाइन ट्राउजर या सलवार के पोंचे पर भी बना सकते हैं। इस डिजाइन को आप कमीज के घेर पर भी बना सकते हैं, जो देखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये मेरी प्लाजो पैंट की बॉटम है। ये मैंने बुकरम लिया है, जिसकी लंबाई ये देखिए, यहाँ से ये भी फोल्ड है, ये बुकरम भी फोल्ड किया है मैंने। इन दोनों की लंबाई सेम है, बुकरम की और प्लाजो की बॉटम की। और ये देखिए, इसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच, बुकरम की चौड़ाई 2 इंच और लंबाई प्लाजो के बॉटम के बराबर। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बुकरम को। ये देखिए, ये हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया। ये देखिए, ये इसका बीच सेंटर आ गया। अब हम इस पर, ये देखिए, बीच सेंटर से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 इंच हो गया। ऐसे ही हम 2-2 इंच की दूरी पर ये निशान लगाएंगे दोनों साइड। ये देखिए, ये मैंने 2-2 इंच की दूरी पर ये निशान लगा लिए हैं। ये देखिए, अब हम इसको बीच सेंटर से फोल्ड नहीं करेंगे इसको। हम ये देखिए, ये जो हमारी 2-2 इंच की दूरी पर निशान है, इधर से हम इसको ये देखिए ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और यहाँ से ये देखिए, ऐसे हम इसको डिजाइन की शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको ये शेप देकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटिंग आ गई है। जैसे हमने ये कट किया है, इसी तरीके से जहां जहां भी हमने ये निशान लगा रखे हैं, वहीं से ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे और हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब हम ये कटिंग, ये देखिए, जितना हमारा ये पैटर्न कट किया है हमने, उसी के बराबर हम ये सारी कटिंग करेंगे। इसको ऐसे रख लेंगे और निशान लगाएंगे और फिर हम ये कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है। और ये जो हमारे पैटर्न निकले, इनको हम फेंकेंगे नहीं, इनका यूज करके मैं एक वीडियो में डिजाइन बनाने वाली हूँ, तो इनको हम रख लेंगे। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसको, ये हमारी बॉटम है, बॉटम की उल्टी साइड पर रखकर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा कट वाला हिस्सा है, ये नीचे की साइड रहेगा। यहाँ से ये 1/2 इंच की दूरी पर रखते हुए इसको हम अपने प्लाजो की उल्टी साइड में पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने बुकरम को बॉटम पर पेस्ट कर लिया है। मैंने ये एक पट्टी ली है, इसकी लंबाई बॉटम के बराबर है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। अब हमें इसे, ये देखिए, बॉटम की ये वाली सीधी साइड है, सीधी साइड पर इस तरीके से रखेंगे इस पट्टी को। ये देखिए, इस साइड हम ये पट्टी रख लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे से हम ये स्टिच लगाते हुए आएंगे। इस तरीके से हम ये पूरी स्टिच कंप्लीट कर लेंगे।
ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम इसका ये अंदर का कपड़ा कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कट करते हुए यहाँ से ये दोनों सिलाई के बीच में से, और ये अंदर का हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए इस तरीके से सभी पैटर्न का ये कपड़ा कट कर लेंगे, और फिर इनमें ऐसे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि ये हमारा पैटर्न गोलाई में है, तो इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये कट लगाते टाइम हमारी ये सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हम ये सारे पैटर्न का ऐसे ही कट कर लेंगे अंदर से कपड़ा। ये देखिए ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, और यहाँ से भी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको ये देखिए सीधी साइड में पलट लेंगे, इस पैटर्न को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको सीधी साइड में पलट लिया, ये हमारा सीधा हो गया ये पैटर्न, ये हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है। इसको ये देखिए ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जहाँ तक हमारी बुकरम है ये सीधी स्टिच लगा लेंगे पूरी यहाँ तक। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से इस पर हम ऐसे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए प्लाजो पैंट की बॉटम पर हमारा ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको हम ये देखिए कमीज के घेर पर भी बनाएंगे अगर इस डिजाइन को, ये इसके बाद भी ये हमारा अच्छा लुक आएगा कमीज के घेर पर भी इसका। इसके बाद ये देखिए इसी के अंदर मैं आपको एक दूसरा डिजाइन करके दिखाती हूँ। ये हमारा एक डिजाइन कम्प्लीट हो गया। अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है तो आप ये वाला डिजाइन रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर दूसरा डिजाइन दिखाती हूँ आपको कैसे बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन से वाला डिजाइन अच्छा लगा। अब इसी के अंदर मैं एक और दूसरा डिजाइन बताऊंगी। उसके लिए ये देखिए मैंने बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच, ये हमने 2 इंच ली थी, और ये मैंने एक ये इसके कमीज का कपड़ा है इसकी चौड़ाई ली है मैंने 6 इंच, लंबाई दोनों की बॉटम के बराबर है। ये देखिए हम बुकरम को इस कपड़े के ऐसे रख लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसको कपड़े के बीच सेंटर में रख लिया बुकरम को। इधर से भी हमारा 1/2 इंच कपड़ा बच गया और इधर से भी ये हमारा 1/2 इंच कपड़ा बच गया है। हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस साइड एक तरफ फोल्ड कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से हम ये स्टिच लगा देंगे। ये देखिए ये मैंने स्टिच लगा ली इधर से ये कपड़ा फोल्ड करके एक्स्ट्रा। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारी स्टिच इधर है। अब हम ये अपना डिजाइन इस पर इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से हम ये 1/2 इंच का इधर से ये गैप रख लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, और इस पर ऐसे ये वाले स्टिच लगा देंगे इस पैटर्न के, ये जो हमारे कट है इनके बिल्कुल किनारे किनारे से ये पूरी स्टिच लगा लेंगे हम, और उसके बाद एक स्टिच हम यहाँ ऊपर की साइड से लगाएंगे।
ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट डिजाइन के अंदर ही सेकंड डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको फर्स्ट वाला डिजाइन अच्छा लगा था या ये वाला डिजाइन का लुक अच्छा लगा है। ये देखिए, ये हमारी प्लाजो पैंट की बॉटम पर बहुत ही, या सलवार के पोचे पर ये डिजाइन हमारा बहुत ही सुंदर लगेगा, दोनों ही डिजाइन। ये देखिए, इस तरह मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरे डिजाइन पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।